तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने विंडोज के डेट एंड टाइम का जो फॉर्मेट है आप उसे चेंज कैसे कर सकते हैं। आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू को ओपन करना है और ओपन करने के बाद और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। और आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल का एक इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपको सिंपली करना यह है कि आपको इस कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। अब आपको करना यह है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये करना यह है कि आपको इस डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डेट एंड टाइम का जो इंटरफेस है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको चेंज डेट एंड टाइम का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैंने कि आपको यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा। तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे आपको यहाँ पे चेंज कैलेंडर सेटिंग आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद और आपके सामने रीजन से रिलेटेड एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम फॉर्मेट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, शॉर्ट डेट शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये करना ये है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कॉर्नर साइड में यहाँ पे मतलब डेट एंड टाइम का आप यहाँ पे फॉर्मेट देख सकते हो, रेलवे टाइप मैंने रेलवे के जैसा यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे शो हो रहा है डेट एंड टाइम का, और खास करके टाइम का जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना ये है कि आपको इस शॉर्ट टाइम वाले ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शॉर्ट टाइम, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो टाइम का जो फॉर्मेट है उसे चेंज करूंगा। शॉर्ट टाइम का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जा रहा होगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आपको शॉर्ट टाइम का जो फॉर्मेट है उसे आपको चेंज करना है। जैसे मैं यहाँ पे जैसे चेंज करता हूँ, ये सेकेंड वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। सेलेक्ट कर लेने के बाद अब मैं इसे अप्लाई करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कॉर्नर साइड में यहाँ पे जो मेरा टाइमिंग का जो फॉर्मेट था यहाँ पे चेंज हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे जो मेरा टाइमिंग का फॉर्मेट था वो चेंज हो चुका है। तो आप इस तरह करके आप यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, आपको जो भी टाइमिंग का जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगता हो अपने सुविधा के अनुसार तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डेट एंड टाइमिंग का। अब मैं यहाँ पर अपडेट का जो फॉर्मेट है मैं उससे चेंज करूंगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको शॉर्ट डेट का आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा होगा। जो पहला फॉर्मेट है वो ईयर का है, फिर मंथ का है, फिर डे का है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं इसका भी फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मंथ डेट और ईयर। जो कंप्यूटर का जो बाय डिफॉल्ट जो मैंने फॉर्मेट है मैंने डेट का जो फॉर्मेट है मैं उसे ही सिंपली उसे ही रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, देन अप्लाई। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ मेरा जो फॉर्मेट है डेट का भी वो भी चेंज हो चुका है। तो मैं इसे ओके कर लेता हूँ, देन इसे भी ओके, देन ओके। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे दो तीन फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।